दोस्तों क्या होगा अगर हम अमेरिका, चाइना और इंडिया में बने सबसे मजबूत स्प्रिंग्स को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अमेरिका, चाइना और इंडिया में से कौन सी स्प्रिंग हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाएगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका में बनी स्प्रिंग को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और दोस्तों जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का वजन अमेरिका में बनी स्प्रिंग पे पड़ता है तो ये स्प्रिंग पिचकने लगती है और 25 टन का वजन पड़ते ही अमेरिका में बनी स्प्रिंग पूरी तरह से पिचक जाती है। चलिए अब चाइना में बने स्प्रिंग को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं, हालांकि इससे कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। और दोस्तों वही बात हुई, चाइना में बना स्प्रिंग तो सिर्फ 15 टन का वजन पड़ते ही पूरी तरह से पिचक जाता है। चलिए अब हमारे प्यारे देश भारत में बने स्प्रिंग को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। उससे पहले सच्चे भारतीय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिख दीजिए। और दोस्तों 65 टन का वजन लगाने के बाद भी हाइड्रोलिक प्रेस स्प्रिंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया।